यूट्यूब चैनल क्रिस्टल नॉलेज, माई सेल्फ प्रवीण। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉक पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि SSC, CGL और गवर्नमेंट एग्जाम्स रेलवे बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके लिए कैलेंडर टॉपिक ख़त्म किया था, सो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। उस कैलेंडर वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑलमोस्ट सारे दे दिए थे और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहूँगा जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सो आपकी प्रिपरेशन आई होप कि अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आज हम लोग हमारा जो दूसरा एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो है क्लॉक, है ना, जो कि क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। और मैं जितना कॉन्सेप्ट लाया हूँ, मतलब आई थिंक 2 वीडियो या 3 वीडियो में मैं पूरा क्लॉक ख़त्म कर दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं और ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा कि आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि मैं खुद ये वीडियो आफ्टर 10-12 वीडियोस देख लेता हूं, उसके बाद ही पूरा कंक्लूजन के साथ मैं ये वीडियो में बनाता हूं ताकि आपको और ज़्यादा वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लॉक बना हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द आवर हैंड एंड दिस इज़ द मिनट हैंड। बेसिक कॉन्सेप्ट के अगर बाद में बारे में बात करें जो कि आपको जेन्युइनली जेन्युइन पता होगा कि अगर हमारा जो आवर हैंड होता है अगर वो 12 आवर, है ना, अगर वो यहाँ से शुरू करे, ठीक है, फिर यहाँ से मूव करते हुए फिर यहाँ पहुँच जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि 360 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, 12 आवर में 360 तो 1 आवर में 30 डिग्री। ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक का जो कवर करेगा तो करेगा तो उसका एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, सब जानते हैं। अब हम लोग आते हैं मिनट हैंड पर। ठीक है, मिनट हैंड जो होता है हमारा ये वाला हैंड होता है। ठीक है, ये 60 मिनट कवर करेगा, यानी कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर से मूव करते हुए वापस यहाँ पहुँचता है, यानी 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, ये 360 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 60 डिग्री, क्लियर। इसी तरह 5 मिनट, मतलब जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो 30 डिग्री बनाएगा, और जब यहाँ से यहाँ यानी कि 90 मिनट, है ना, सॉरी 90 डिग्री, 15 मिनट के लिए 90 डिग्री का मेजरमेंट करेगा। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक है, आपको पता होगा। ये देखिए, है ना, अच्छा लग रहा फिगर। चलिए, यहाँ पे बताने का क्या ये मतलब है, ये है कि जब 1 मिनट में हाफ डिग्री भी और 1 मिनट में 60 डिग्री भी, अगर इसका मतलब क्या है ना, आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे 1 आवर था तो 1 आवर की जगह 60 मिनट कर देते हैं, और 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाता है, हाफ डिग्री होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री है और 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है आखिर दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि इसका मतलब क्या है, या फिर कुछ ऑप्शन आपको मिल सकते हैं इस तरह से। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये 1 मिनट हाफ डिग्री गेन कौन करता है, ये सिर्फ आवर हैंड के लिए, ठीक है ना। जब आपका मिनट हैंड 1 मिनट के लिए मूव कर जाएगा, इसको मैं इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपका ये वाला है ना, ये वाला हैंड है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने होते हैं, पाँच, इस इन दोनों के बीच में 5 स्ट्रिप्स होते हैं ना, एक एक दो तीन चार 5 स्ट्रिप्स होते हैं। तो जब ये एक स्ट्रिप से, कहने का मतलब है कि जब ये स्वीपर इसे यहाँ पर है ना, ये यहाँ से कवर करेगा, जब ये 1 मिनट के लिए यहाँ मूव करेगा तो ये खुद 60 डिग्री बनाएगा, लेकिन इसके एक मूवमेंट के कारण ये थोड़ा सा टिल्ट होगा जिसकी वजह से यह हाफ डिग्री बनाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल ट्रेस बाय द आवर हैंड इन 1 मिनट एंड दिस इज द एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, है ना, समझ में आया। सो आई थिंक आप कन्फ्यूज ना होंगे कि 1 मिनट में भी हाफ डिग्री कौन कवर करता है और 1 मिनट में 60 डिग्री कौन कवर करता है, ये मिनट हैंड कवर करता है, ये आवर हैंड कवर करता है। जब ये मूव करता है तो इसके मूवमेंट के कारण ये हल्का सा टिल्ट होता है जिसकी वजह से यह हाफ डिग्री कवर करता है। ठीक है दोस्तों, चलो सो आगे चलते हैं। आगे में क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा जो आवर हैंड होता है और मिनट हैंड होता है वो आपस में 90 डिग्री एंगल कब बनाता है, आपस में वो कौन साइड कब होता है या कितनी बार होता है, और आपस में वो अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार होता है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछते हैं एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 12 है 3 मान के चलते हैं, ये हमारा आवर हैंड है, ये हमारा मिनट हैंड है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कब उस समय 15 मिनट होता है। ठीक है, तो देखिए
क्या होता है कि जब आप 1 आवर कवर करोगे, मतलब कंसीडर करोगे, तो 1 आवर में ये हमेशा 2 राइट एंगल बनाता है। कितना बनाता है 1 आवर में? 2 राइट एंगल बनाता है। कब? जब ये 12 से 3 और 1 12 से 9, है ना, तो बनाता है। और 2 आवर में ये 3 राइट एंगल बनाता है। क्यों? 4 क्यों नहीं बनाता? 4 इसलिए नहीं बनाता क्योंकि चौथा जो होता है वो कॉमन होता है इसका, इससे पहले वाला का भी और बाद वाले का भी। इसलिए क्या होता है, 1 आवर में हमेशा 2 राइट एंगल बनाएगा और 3 आवर में सॉरी 2 आवर में हमेशा 3 राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह आप 12 आवर तक का, 12 आवर तक का जब कंक्लूड करोगे तो आपको 22 राइट एंगल्स मिलेंगे, जबकि 24 आवर्स यानी 1 डे में 44 राइट एंगल्स हमारा घड़ी घड़ी में बनता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के बाद दोस्तों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कॉन्साइट का, है ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कॉन्साइट और अपोजिट कैरेक्टर का स्ट्रेट लाइन ही है ना, इसलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट्स एंड कॉन्साइट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक अपोजिट बनाया है। हमेशा कोई इस तरह का फिगर जब बनेगा ना तो उसको बोलेंगे अपोजिट। वो हमेशा आपस में 180 डिग्री का एंगल कंसिडर करेगा, है ना, हमेशा 180 डिग्री का एंगल वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12 आवर में 11 टाइम्स अपोजिट वो देखने को मिलती है घड़ी में। हमेशा उस समय 180 डिग्री का मिनट रहेगा, 180 डिग्री का फेस चेंज रहेगा और टाइमिंग में 30 मिनट की चेंजिंग रहेगी। उसी से 24 आवर्स में 22 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये हम लोग, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का बात रहा, 180 डिग्री का। इससे पहले हमने राइट एंगल का देखा था, उसमें भी क्या था कि 12 आवर में 11 टाइम्स और 24 आवर में 22 टाइम्स था। सो आपको याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर आपने एक अच्छे से समझ लिया तो समय वही कॉन्सेप्ट दोहराया जाता है। अगला है कॉन्साइट का। कॉन्साइट मतलब होता है कि एक दूसरे पर ओवरलैप करना, है ना। अगर आपका ये आवर हैंड है में, तो इसके ऊपर ही आपका क्या होगा, मिनट हैंड ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो 12 आवर में भी 12 आवर में भी ये 11 टाइम्स कॉन्साइट करता है और 12 आवर 24 आवर में नहीं, 1 डे में 22 टाइम्स कॉन्साइट करता है। और कॉन्साइट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप करना, जिसकी वजह से इनके दिन इनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है ना। एक गौर करने के लिए बात यह है कि अगर आपकी आपसे इसे क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 3:15 पर कितना डिग्री एंगल बनना है, ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे कौन साइड करें, यानी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। चलो आई होप कि स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन जो इससे वही पूछेगा कि कितने स्ट्रेट लाइन बनते हैं, उसमें अगर उसको थोड़ा टफ करना होगा तो पूछ सकता है कि अपोजिट कितने बनते हैं 24 आवर्स में, या कौन साइड 24 आवर्स में कितने टाइम्स होते हैं, तो आप ये याद रखना, ठीक है। ओके, अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमने मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका दो समय दे देगा उसके बीच का और उनके बीच में एंगल पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपने ये फॉर्मूला बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे, अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे होंगे तो आपको ये फॉर्मूला बताया होगा। एक कन्वेंशनल मेथड होता है दोस्तों जिससे हम लोग एंगल दो निकालते हैं आवर और मिनट हैंड के। प्लीज़ उसे मत ओवर कीजिए, ओवर कीजिएगा उसके, उसे मत याद कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना एग्ज़ाम में। अगर पास टाइम नहीं है उससे कीजिएगा तो काफ़ी समय चला जाएगा। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू कैन ईजिली कैलकुलेट व्हाट द एंगल बिटवीन द आवर हैंड द मिनट हैंड, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके बीच आपका आपके पास जो घड़ी है वो 3:25 है। अभी आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो ये आपका थीटा निकालना है। दिस इज योर फॉर्मूला, 30 आवर माइनस 11/2 मीटर, है ना। ऐसे याद रखें कि इसमें 30 से मल्टीप्लाई करना है, इससे 11/2 से मल्टीप्लाई करना और बाकी को माइनस कर देना, है ना। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक से दो बार इसको बना लेते हैं तो आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। और ये मॉड लगाना मत भूलना, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है माइनस में आता है, लेकिन मॉड क्या करता है, मॉड का काम होता है कि जो भी अंदर में नेगेटिव होता है उसको वो पॉजिटिव कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, 30 × 3 − 11 × 25/2, इसको मल्टीप्लाई करो 275/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, नीचे लोगे एलसीएम लोगे, 180 माइनस 275, तो −95/2। 95/2 को जब आप पूर्णांक में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो 47 1/2, एंड दिस इज अगेन इन द नेगेटिव, दैट्स वाई मोड्स कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव, सो 47.5, है ना। तो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन में ये था आपके लिए कि 24:30 में कितना के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका 30 × 6 − 11/2 × 30, 180 − 330/2, है ना। इसको कवर करोगे 32, 15 डिग्री का एंगल आपके यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप कि सर ऐसा क्यों नहीं किया आपने। देखो 12:24 में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो
फॉर्मूला के हिसाब से कितना लेना चाहिए, 13 to 12, लेकिन 0 ले रहे हैं। यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जब भी 12 से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन रहे ना, तो उस 12 को क्या करना, आप 0 कंसीडर कर लेना, और 0 कंसीडर करना एज इट इज़, जैसे जैसे आपने सॉल्व किया अपने जो वैसे ही सॉल्व करना है। और आपके पास मोड के अंदर -32 डिग्री आ रहा है, मोड क्या करता है, माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है ना दोस्तों। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जल्द, मैं को थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिरर एंड वाटर क्लॉक से रिलेटेड वीडियो ला के दूँ, और पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन ला करके दूँ, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड, तब तक लिए वेट करो, तब तक लिए पढ़ाई करो, अच्छे से करो। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक की बटन जरूर दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की बटन घंटे को जरूर दबा दो, जिससे कि आप तक ये मेरी वीडियो पहले पहुंच सके, ठीक है। मैंने अपनी फुल कोशिश की है कि आपको समझाने की, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। एक बात और दोस्तों जो मैं बोलना भूल गया, कि मेरे इस YouTube चैनल पर अगर आप वीडियो देखते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मैं आपको दे सकता हूँ कि जितने भी मेरे पास नोट्स होंगे ना, उसका मैं आपको PDF सेंड कर सकता हूँ, है ना। या तो WhatsApp नंबर देना, मैं WhatsApp पे सेंड कर दूँगा, या तो ईमेल आईडी देना, मैं ईमेल आईडी पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जो भी मैं बेसिक नोट्स बनाता हूँ, वो मैं आपको दे सकता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप अगर अपना ईमेल आईडी कमेंट कर देते हो या व्हाट्सएप नंबर, तो मैं आप तक ये पहुंचा दूंगा, है ना। हो सकता है 1 या 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।